ये जो वर्तमान सरकार है राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसके ऊपर लगातार हमले कर रही है और ये बहुत ही निंदनीय है कि जो अभिभावक जो हैं जो इतने उद्वेलित थे जो इतने परेशान थे कि जिन्होंने इतनी निर्मम और बर्बरता के साथ उनकी लड़की के साथ सलूक किया था उनको छोड़ा जा रहा था और उसके ऊपर अगर वो आक्रोश व्यक्त कर रहे थे अपना तो ये अपना ही देश है क्या हो गया इंडिया गेट पे कर रहे थे वो अपना आक्रोश व्यक्त तो जिस तरह से उनके साथ बदसलूक की गई है पुलिस के द्वारा वो निंदनीय है जो खास केस है इसमें जो ये व्यक्ति इन्वॉल्व है ये आज के दिन जुवेनाइल नहीं है और जो इसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 साल का उसको भी जरूर मद्देनजर रखा जाना चाहिए और जो निर्भया के माता पिता जिस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं उसको भी जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे कारकों को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला देगा। आज हम लोग यहाँ पे एक सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे हैं कॉलेज के बाहर क्योंकि कल एक निर्भया के रेपिस्ट को रिहा किया गया है जो जुवेनाइल था बोला जाता है कि जुवेनाइल था जो रेप कर सकता है जिसको रेप करने का दिमाग है तो उसको शिक्षा भुगतने का भी दिमाग होना चाहिए। कैंपेन को अच्छा रेस्पॉन्ड मिल रहा है सारे बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं।